बिस्मिल्लाह जी, मैं ना चिची वाले आया तहसील फोटाबाद से बहावा नगर मरकजी जमीयत आह्ले हदीस शख्स घर को ना मेरा एक भाई जरा हाजी ग्राम वो दारुल एहसान वाले ना वस्त है इस जमात के बिच, बल्कि मेरा सारा खानदान ही बरेलवी है, मैं कल्ले ही अहले हदीस हाँ। तो बाकी जेडे ना पीर वगैरह उन्होंने तो मेरा कोई नहीं यकीन वगैरह नहीं सी शुरू तो, लेकिन इस दरबार के मतलब मैं कुछ सुनता सी उत्थे जेडे बंदे ने वो कोई अल्लाह का जिक्र वगैरह करते हैं तो वह कबर परस्ती वगैरह नहीं करते, अगर वो मजार है भी है तो उत्थे अगर कोई लोग जाते हैं तो वो सुन के मुताबिक दुआए खैर करते हैं, सज्जे वगैरह नहीं करते। तो चंद दिन पहले मेरे ना फिर वाकया हो गया कि मस्जिद से बस के ना एक्सीडेंट होया, तो मैं गिर गया, मेरिया जड़िया ना पिछलिया बैटरिया ये हिल गई, बिनाई मेरी जी है ना वो तकरीबन बिल्कुल ही माउफ ही हो गई, खत्म ही हो गई ना, मैंने कोई नज़र नहीं सी आ रहा। काफ़ी सारे दोस्त उन्हें मशवरा दिता जी तुम काड़े जाओ, किसी ने आगे आरफ वाले जाओ, किसी ने अगर लाहौर जाओ। तो मेरा भाई जरा ना वो इस चीज़ से बदित सी कि तुम जनाब साढ़े पीर के दरबार से जाओ, उन्होंने को मशीन है उ डॉक्टर ने अल्लाह करेगा तुम अल्लाह तला शफात फरमाएगा। तो मैं फिर राती ही मकसद उतो आया अपना करूनाबाद हो वास्ते बैठा, पहले तरह का काढ़े का फिर मैं इतने सीधे ही आ गया दरबार से। तो मैं कोई दोस्त छड़ के गया नहीं, क्योंकि मैं नज़र से आ नहीं दिया, अखूंडी मेरी इतने मौजूद है, टटोल टटोल के मकसद में आया। तो जो इतने सवेरे पहुंचा अजान तो कुछ अर्सा वक्त पहले, तो मैं पाला जहा महसूस किया, तो बैग चो कढ के ना मैं चादर तो लेट के तो बैग में ढो ला के तो मैं लेट गया। मैं की देख रहा कि भाई इवें महसूस होया भी जिमें ना अजान हो गई है, तो अजान तो बाद भी लोग जिमें जगा रहे हैं भी नमाज वास्ते जागो भी जागो। एक बजुर्ग है लम्बे जो कद से दराज कद से ना, तो उन्होंने दाढ़ी भी लंबी है माशाल्लाह, बिच चंद वाल जड़े ने वो काले ने, बाकी तकरीबन सारी सफेद ही है दाढ़ी। वो मैनू आ के कहते बेली आ उठ भी नमाज पढ़। तो मैं क्या बजुर्गा मैनू तो पता नहीं ताड़ियाँ टूटियाँ कितने है, तो ताड़ा मकसद है भी गुजरखाना कितने है, तो चीज़ मैंने तो कोई नहीं नज़र आता, तो मेरे नाल दे भी कोई नहीं गए वो मकसद आने, तो मैंने एवं तंग ना कर जा काम अपना कर। उन्हें कहा नहीं पुत्र नमाज फर्ज है, तो तेन नहीं पता मसलों का, तो तू उठ नमाज पढ़ सामने टूटियाँ ने। तो मैं क्या मैं नहीं नज़र आता, उन्हें कहा तू वेख तो सही तो नज़र आ जाएगा। तो मैं जो बजुर्ग ने दो तीन दफा सरार किया, मैं चलो मैं देख लेना जो नज़र आ गई मैं कर लेना, नहीं तो मैं क्या तंग ना कर। तो मैं अपनी चादर लाई तो वेख्या सामने, तो मैं नहर भी नज़र आई, टूटियाँ भी नज़र आ गई। मैं क्या लगी है तो कोई बजुर्गों ने कहे हुए अल्फाज देने अल्लाह तला ने कबूल कर लेने। तो मैं उठा उठ के वजू किया, नमाज अदा की है, उस तो बाद अल्लाह तला का शुक्र अदा किया भी अल्लाह तू मैं बिनाई दे दी। तो मैं हाले उठे ही बैठा तो बड़ा मैं परेशान गया कि घर वाले की दसागा कि बई मैं तो हाले डॉक्टर पर्ची भी नहीं ली, चेक भी नहीं कराया, मैं तो पहले भी ठीक हो गया। तो इन्हें ख्यालात ही बैठा कि उत्थे कोई बंदा गुस्तगू कर रहा है बई यार इतने ऑपरेशन तो धड़ा धड़ करी जा रहे हैं, हम पता नहीं ऑपरेशन तो बाद जी नज़र है ना वो बहाल रह गई ना, अगर तो फिर तो चलो भी कोई ठीक होएगा काम, नहीं तो ऑपरेशन करना का कारा काम है तो फ्री जान रहे। तो मैं उस बंदे मुखातब करके कहना, मैं यार गल सुनो तू तो बड़े बेचकीने के बंदे जे तुम तो डॉक्टर को पर्ची मिली, उन्होंने अगर तेरे टेस्ट किए ने सारा दस दिता, तो करन तो बाद फिर तुहाडे ऑपरेशन होंगे तो ताकि नज़र क्यों ना बहाल होएगी। तो मैं क्या इतने तो बगैर ऑपरेशन तो ही अल्लाह तला शफा दे जाते हैं, वो कहते किमें बगैर ऑपरेशन तो। फिर मैं उन्होंने अपना सारा वाक्य दसिया भी इदा इदा करके कि बजुर्ग आए उन्होंने मैंने नमाज वास्ते उठाया, वल्ला आलम अल्लाह का फरिश्ता सी या की सी या किड़े बजुर्ग सन यानी, लेकिन भी इंसानी शक्ल च आया दाड़ी मुबारक। तो मैं उठाया तो मेरी तो सारा नज़र आन डे पाया, तो तुम भी यकीन जो हो लागे एक मुंडा बैठा सी सियालकोटों आया, कहता आ जा यार तेन उसे हजरत साहब न बुलाना। तो मैं क्या चलो ठीक है, उत्थे गए हजरत साहब जेडे ने। अच्छा टोपी जी मैं